फाइनली फैसला ले लिया है कि वो विनय तिवारी को रिलीज करने वाली है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। काफी समय से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच में तनातनी चल रही थी, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस को काम करने ही नहीं दे रही थी। ऐसे में एक सीनियर ऑफिसर यानी कि आईपीएस ऑफिसर को भेजा गया था, जिनका नाम था विनय तिवारी, और जैसे ही वो यहाँ पहुंचे उन्हें क्वारंटाइन कर लिया गया। वेल, मैं आपको बता दूं कि ये क्वारंटाइन जो है हर किसी की नजर में खटक रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई पुलिस को फटकार लगा दी थी। अब ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे जो कि डीजीपी हैं बिहार पुलिस के, उन्होंने काफी कोशिशें की, काफी बीएमसी को लेटर्स लिखे, उसके बाद में फाइनली बीएमसी ने ये फैसला लिया है कि वो उन्हें छोड़ रिलीज कर रही है क्वारंटाइन सेंटर से, और वो फौरन आज ही यानी कि आज ही के दिन जो है वो पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि इस तनातनी की वजह से मुंबई पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा उंगलियां उठी हैं, उद्धव ठाकरे के ऊपर उंगली उठी है, और यहाँ तक कि जिस तरीके से कोर्ट में मतलब ये बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई है, मुंबई पुलिस को फटकार लग जाती है। एक जो इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि अब भले ही जो केस है सीबीआई को जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन जब तक सीबीआई अपनी जांच जो है वो शुरू नहीं करती है, तब तक पटना पुलिस को ये अधिकार है कि वो इस केस पर अपनी नजर बना सके और वो इस बात पर अपडेट लेते रहेंगे। तो मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस अब इस समय पे कैसे काम करती है, क्योंकि अब जो है वो 3 दिन का वक्त भी जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया है वो भी कल तक के दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ सभी अपडेट्स के लिए।